मन, वचन और काय। मन बल, वचन बल और काय बल है ना आपके पास। मन है आपके पास, वचन है, काया है, इसका सदुपयोग करना आता है। अभी किसी से कहा जाए आप 5 मिनट यहाँ माइक पर बोलिए आकर के, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, हमें नहीं आता बोलना, हमें नहीं आता बोलना, तू बोल, तू बोल, मैं नहीं बोलूँ, तू बोलना, सब एक दूसरे पे सरका देंगे। और वैसे दिन भर इतना बोलते हैं कि चुप करना मुश्किल है। ये वचनों का सदुपयोग है क्या? जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोलते हैं। अभी कहा जाए धर्म चर्चा कीजिए, सब चुप हो जाएंगे। क्या करें धर्म चर्चा में? ना स्वाध्याय करते हैं, ना 8 कर्मों के नाम आते हैं, ना 7 तत्वों के नाम आते हैं, ना 6 द्रव्यों के नाम आते हैं, ना कुछ खोजने की जिज्ञासा है, ना कुछ जानने की जिज्ञासा है, कुछ पता ही नहीं है, है क्या धर्म। हाँ बस हमारे यहाँ अभिषेक करते ना तो हम अभिषेक कर लेते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ कह देते हैं तो पूजा भी कर लेते हैं, बस हो गया धर्म, और माला फेर लेते हैं, हो गया धर्म। धर्म को जाना कहाँ है अभी? जिस दिन धर्म को जान जाओगे उस दिन कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और धर्म होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बोलना आता है? अरे बोलिए ना, आता है बोलना? चलो अभी सबकी परीक्षा होगी, सबका टेस्ट लिया जाएगा, किस किस को बोलना आता है, सबको माइक पकड़ाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन बोल पाता है, ठीक है? अरे हाँ तो बोलो। अभी किसी शादी में जाओ और शादी से लौट के आओ, कैसा पूरा शादी का वर्णन करते हो, क्या बना था खाने में, कितनी डिश थी, कौन कैसे खा रहा था, मुझे क्या पसंद था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, पंडाल कैसा बना था, दुल्हन कैसी थी, दूल्हा कैसा था, कैसा वर्णन करोगे अभी शादी का। और आपसे पूछा जाए आप यहाँ आए हैं, अब थोड़ा सा वर्णन जहाजपुर का करें कि आपको कैसा लगा आकर के, बोल नहीं पाओगे। अभी किसी की साड़ी की तारीफ करनी हो, ज्वेलरी की तारीफ करनी हो, फिर देखो 1 सेकंड में शुरू हो जाओ कि क्या डिज़ाइन है, अरे डायमंड सेट है, इतने का है, कहाँ से लिया ये तो पता नहीं है, लेकिन चीज़ बढ़िया लग रही है। 1 मिनट में सारी प्रशंसा गा दोगे, ऐसे नग लगे हैं, ऐसे मोती लगे हैं, ऐसे झालर लगी है, ऐसे बाल हैं, ऐसे ये हैं, मतलब जिसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है उसका वर्णन तो पूरा अच्छी तरह से होता है। और जहाँ धर्म चर्चा में वर्णन की ज़रूरत है वो धर्म चर्चा करनी आती नहीं है। जिससे पाप का बंध होता है उसमें तो एक्सपर्ट हैं, और जिससे पुण्य का बंध होता है, जिससे मोक्ष का रास्ता मिलता है, जिससे सुख का रास्ता मिलता है, उसमें पीछे है। फिर कहते भाई माता जी बहुत दुखी हैं, अब काम किसके कर रहे, दुख के या सुख के हैं? तो जिस रास्ते पर जाओगे मंजिल वही तो मिलेगी, अब दुख के रास्ते पर चलोगे तो सुख मिलेगा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं मिलेगा। तो बंधुओं सुख का तो एक ही रास्ता है, वो है धर्म, वो है धर्म। और धर्म से संसार के सुख तो अपने आप मिल जाते हैं, साथ में आत्मा का सुख भी मिलता है ना? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई?
चलो बंद करूं। आपने तो कहा आ गई, जब आ गई तो अब क्या बोलूं मैं। ठीक है, अब सबको भी जाना भी है ना, गाड़ी लेके आए हैं। क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो? बस लेके आए हैं, ग्वालियर का शुभकामना परिवार महिला मंडल बस लेके आया है ना। अरे बोलिए ना, जोर से बोलो ना, बस लेके आए हैं, बस लेके आए हैं। मतलब समझे नहीं चल समझे? हाँ, बस लेके आए, ये बस लेके आई है। बस इनको नहीं लाई है, यानी धक्का मार मार के लेके आई है। लेके आएंगे क्या फर्क, क्या मतलब निकलता है? हैं, लेके आए मतलब हम लाए हैं कि बस तुम्हें लाई है? आप बताइए मुझे। अच्छा, बस आपको लाई है, अभी तो आप कह रहे थे हम बस लेके आए हैं। चलिए, व्यवहार की भाषा है लेकिन अर्थ निकालें तो कुछ और ही निकलता है ना। मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, बारात में वर का, और आने वालों में ब्यावर का बड़ा ही महत्व है। रोहतक, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। नीमाच, गर्मी की आंच का, बोलने में सांच का, और आने वालों में नीमाच का बड़ा ही महत्व है। झांसी हो गया। गोहद, पार करने में अच्छे काम में हद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में गोहद का बड़ा ही महत्व है। झांसी, कमाने के लिए राशि का, नहीं होने में खांसी का, और आने वालों में झांसी का बड़ा ही महत्व है। हिंगोनिया, अच्छा, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में हिंगोनिया का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से? गाजियाबाद से। राजावास, राजा में दास का, जंगल में बांस का, और आने वालों में राजा बांस का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? सिरोंज, अच्छा, पक्षियों की चोंच का, इंसान की पहुंच का, और आने वालों में सिरोंज का बड़ा ही महत्व है। टीकमगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोले चौबीसों भगवान की। गिड़े थार कहीं बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो।
या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो कहीं बिगड़े, सोच समझ ले स्वार्थ लो संसार। लाख जतन कर छूटेगा घर बार, सोच समझ ले स्वार्थ लो संसार। लाख जतन कर छूटेगा घर बार, तू जान ले अनिले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल काई बिगड़े, काई बिगड़े थर काई बिगड़े। गुरुवर ये कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। गुरुवर ये कहते हैं तप संयम ही जीवन का आधार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। बोले चौबीसों भगवान की।